हेलो गाइस, और आज हम निकल रहे हैं मनाली के लिए, और ये हमारी टीम, पूरी की पूरी टीम। हेलो दोस्तों, बाय। अभी हम बिलासपुर पहुंचे हुए हैं, और अभी हम रुक के यहाँ पे चाय के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं हिमाचल रेस्टोरेंट में। हमारे अफजर चाचा देखिए क्या कर रहे हैं, बेल्ट लगा रहे हैं, बेल्ट खोल के बैठे हुए थे ये। दो तीन बार उल्टी कर चुके हैं, तीन बार हमारी गाड़ी रुकवा चुके हैं। पबजी गेम में हूँ। अभी हम चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। ये हिमाचल का हिमाचल रेस्टोरेंट बिलासपुर में, अभी बिलासपुर में ही है। हमारी टीम किसी और चीज में ही बिजी है। आप देखो भाई कैसा है। ये होटल के बैक व्यू है, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हैं रात की जो शांति है, रात का जो नज़ारा है, उसका अपना अलग ही मजा है। दिन में कुछ और लगता होगा, हम तो कभी आए नहीं दिन में। हमारी चाय आ चुकी है। वाह यार, ब्लैक आउट हो जाए। हम फंस चुके हैं ट्रैफिक जाम में। अब देखते हैं कितनी देर में जाम खुलता है। अभी थोड़ी देर बाद चलो, ये शब्द नहीं आया था, अब ये भी आ गया। अभी फंसे हैं, फिर खुल जाने वाला जो है। ट्रैफिक थोड़ी ना ही काम जो है, आगे सूट कर खा ले तू। ओ, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चालू है। हाँ जी, इसका भी ले ला फोटो उधर का। उधर कंस्ट्रक्शन चालू है। अभी हम कुल्लू में एंटर होने वाले हैं, और उससे पहले हमको कंस्ट्रक्शन के वजह से हमको यहाँ पे रुकना पड़ गया है। अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ रुकना पड़ता है। पूरे एक घंटे के बाद हमारा ट्रैफिक जाम खुला है, और अब हम फिर से अपने रास्ते पे। यही भाई सिंगल पिलर पे मार रहा है। वैसे ये टनल भी बहुत ही ज्यादा सुंदर बनी हुई है। अभी और नहीं बना रहे हैं, और अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे और भी सुरंगें बनाई जा रही हैं। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, और हम मनाली पहुंचने वाले हैं। 10 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है, और मनाली पहुंचने के बाद हम सोलांग वैली के लिए निकलेंगे। पहले तो हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर हम सोलांग वैली के लिए निकलेंगे।
बहुत ठंड है अभी। हम लोग सुबह हुई है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हुई है हम लोगों का और पूरी दुनिया का सुबह हुआ है, हमारा भी हो गया साथ में। तो यहाँ अभी हम लोग उठे हुए हैं, ठंड है भाई, बहुत ठंड है यहाँ पे। और क्या है पीछे का माहौल दिखाओ थोड़ा। अब दिखाओ जब कोई भी बोलता ना वो पबजी वाला आ गया। वाह प्यार से बोलो। अरे आगे से फायरिंग हो रही भाई, बंदे हैं आगे। हम भी चलें। ये देखो रही और क्या व्यू है। अरे बहुत देर है। वाओ क्या व्यू भाई भाई। ओ भाई व्यू वंडरफुल। हेलो गाइस, अभी हम सलांग वैली पहुंच चुके हैं और वहां की चाय हमने यहां पर बॉन फायर जलाया हुआ है। ठंड बहुत है, ठंड बहुत ही ज्यादा है। और ये हमारे और ये हमारी टीम उधर दिखा दो। ठंड की वजह से हालत खराब है, चाय ले रहे सब। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। नीचे का दिखाओ, नीचे का आइए मस्ती कीजिए इधर आके। और ये देखिए और... ये देखिए जो है कि पूरा बर्फ में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरी बर्फ पड़ी हुई है। और यहाँ की जो चांदनी रात है ना, वाह कसम से मजा आ गया, बहुत मजा आया। यहाँ सुंदर है, एकदम व्हाइट कलर लगता है कि पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। अब हम सोलांग वैली को बाय बाय बोलते हैं। आज का दिन तो थोड़ा बुरा सा रहा, पूरा दिन सफर करना पड़ा क्योंकि हम ट्रैफिक जाम में पूरे 8 घंटे फंसे रहे। उस टाइम पे हम जो है वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए से हमने वीडियो भी नहीं बनाया। निकल चुके हैं खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए निकल चुके हैं। हमारी पूरी टीम इतनी भूखी है ना कि जंगली इतना ज्यादा परेशान हुए जाम के चक्कर में कि पूरा दिन आज खराब गया, ज्यादा घूम नहीं पाए। अब तो कल निकल जाना है 5 बजे सुबह सुबह घूमने के लिए। बाकी देखते हैं कि आज खाने में क्या होता है, कौन से होटल में चलते हैं, ये डिसाइड होगा अभी कार के पास चलते हुए। अभी हम मनाली के माल रोड की तरफ जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा भूखी है, बहुत ज़्यादा भूखी है। इधर दिखा दो कैसे जा रही है। और वो भूखे शेरों की तरह जो है खाने के ऊपर टूट पड़ने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा है चुके हैं बस होटल में हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी शुरू करने वाले हैं। रुकिए जरा सबर करिए, मेन्यू कार्ड में देखिए क्या क्या है। सोमवार है आज, मुर्गा नहीं खाएंगे। काहे नहीं खाएंगे मुर्गा? मुर्गा देखो रे, आज है सोमवार और हम मुर्गा नहीं खाएंगे। नहीं, हम चिकन खाएंगे, प्योर वेज है। देख ले बाहर, पहले देख रहे और रेस्टोरेंट भी हमारा प्योर वेज है। अरे आज अंदर साहब लोग को रुक जाओ। हम लोग आ गए हैं सलांग वैली से, वापस आ गए हैं और ये हमारा रूम है। मुझे इस रूम की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ से बाहर का व्यू नजर आता है, एक नंबर का व्यू। और आप लोग देखिए बाहर का रोड का व्यू है, ये माल रोड के पास ही हमने अपना रूम लिया हुआ है। कैमरा करके दिखा दो।